सत श्री अकाल, मैं रमनदीप सिंह, तुसी देख रहे हो 7C न्यूज़। बरसातों के दिनों पूरे पठानकोट शहर के सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरीके चरमराई हुई है, जिसन लैके काफ़ी बार संबंधित अधिकारियों के नाल ईवन कि वड्डे अधिकारियों भी गलबात की गई, तो उन्होंने कहना है कि व्यवस्था जी है वो ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी बहुत कितने प्रॉब्लम आती है तो उन्हों थोड़ी देर बाद दुरुस्त कर लिया जाता, पर हालात जो देखा जाए तो शहर के लोगों के सामने ने। उतें असं अज वार्ड नंबर 39 खड़े हाँ, प्रेम नगर गली दसी जाती है, तो जिते कि बहुत सारे घर अजिहे ने जिन्हों सीवरेज की जी सुविधा वो नहीं दी गई है, जेकर दी भी गई है तो सीवरेज हुण ओवरफ्लो हो चुके हैं, वो सीवरेज का सारा पानी गलियां दे विच खड़ा है, तो जो बरसात होंदी है तो गलियां पूरियां पानी दे नाल भर जांदियां हन, पर समस्या इन्नी नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा वड्डी है। इत्थे प्लाट तुसीं देख सकते हो कि मेरे पिछे एक प्लाट है जिहड़ा कि करीब एक कनाल का प्लाट है, जिथे कि लगातार सीवरेज का ओवरफ्लो होया पानी इकट्ठा हो रहा, तो हुण तक यह पानी 4 तो 5 फुट तक इकट्ठा हो चुका है, तो आम लोगों का कहना कि यह पानी लगातार बढ़ रहा है, तो कुछ ही घंटिया के पानी 7 फुट तक भी पहुँच सकता है। दिक्कत इतने है कि ये नाल 3 तो 4 घर लगते हैं जिन्हों दियाँ कंधा इस प्लाट के नाल है, तो हौली हौली सारी कंधा जिहड़ियां कि गिल्लियां हो चुकिया हैं, तरेड़ा पैनिया शुरू हो चुकिया हैं। इन्हों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों भी इस बारे जाणू करवाया गया, इवन कि DC साहब तक भी पहुँचे ने, पर अधिकारी सिर्फ इतने आके खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उतें ही जब संबंधित SDO उन्होंने भी गलबात हुई, वो भी इतने पहुँचे ने, जब उन्होंने भी फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने का फोन इस वेले बंद आया है। हुण देखना यह होगा कि ये जड़े पानी इस तरीके भर रहा है कि ये अधिकारी ने जड़े ये वड्डे नुकसान होने के इंतजार के ने कोई जानी नुकसान होने के इंतजार ने, क्योंकि इतने का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिथे बीमारियों दावत दिता है उत्थे बहुत सारे जीव जंतु सप वर्गे जीव जंतु इस पलते हैं। हुण अधिकारियों के लिए बहुत वड्डा सवाल है कि इत्थे आके पहुँचते हैं, इन्हां लोगों की सुध लेंदे ने जां वड्डे नुकसान का इंतजार करते रहेंगे। मैं भाई प्रवीण कुमार हाँ, मला प्रेम नगर तो मैं बोल रहा जी। सर ऐसे अभी देख सकते हो सामने, तो सामने पानी देखो जिदा सीवरेज बाहर आ रहा है, मतलब साड़ी समझ नहीं आ रहा मैं किनू शिकायत कैद करिए जाके। MC भी 10 बार बोल दिता है, होर भी 2-3 जने नूं कह दिता, पर मतलब कहीं ने साड़ी सुनवाई नहीं की। हुण इन्हां दा पानी देखो भाई, इन्ने इत्थे इन्ने इन्ने जानवर हैगे ने, सप्प निकल आंदे ने, और ऐ मतलब दोनों 2-3 घंटे रुक जाओ तुसीं, पानी सारा सड़क च आ जाना भाई देख लो तुसीं। और बाद मैनू नहीं लगता भी इत्थे कोई अज तक किसी ने दवाई तक नहीं कितने पाई, 1.5 महीना हो गया पानी का इन्ना बुरा हाल है, कोई हिसाब नहीं है इत्थे, तो सानू तो हुण कोई बंदा लभी नहीं करता, असीं तां कह गया थक गए भाई, किनू कही जाके दसो। हाँ सरकारी अधिकारियों क्या क्या सर, मेरी गल हुई उन्होंने मैंने पंकज जी का नंबर दिता सी, उन्होंने मेरा फोन नहीं चुकया, ठीक है, पर बाद तो हूँ तो कोई सानू कोई लभ ही नहीं रहा बंदा किनू कही है। सर अभी देखो आम बंद की जी पहुँच हैगी है MC तक ही होंगी है जी, अं आ जाके MC कहना, और MC कहता भी मेरे मतलब साढ़े बस बाहर गल हैगी है, और यह पानी की वैसे कभी प्रॉब्लम आई नहीं, हूँ ही पता नहीं की प्रॉब्लम आ गई है, कहते सारे शहर का पानी थोड़े ढाके रोड कट इन्होंने अपने कटता है अपने DC साहब ने, तो हम पता नहीं साड़ी समझ नहीं आ रही, मतलब किनू कही जाके सर साड़ी आम लोगों की परेशानी किनू जाके बंदा जाके सुनावे, अभी तो परेशान बड़े हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे बीमार हो गए, साढ़े तो बेचारे भाई भी बेचारे प्रॉब्लम हो गई, इन्हों का भी पेट खराब हो गया, भी हॉस्पिटल रह के आए हैं, मतलब सारा मोहल्ला पिछे पानी भी तक गंदा आ रहा है, और पिछे भी आए ही कि वो की ना शैली मुंडा आया थे जे अपने कॉर्पोरेशन, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने भी आगे माड़ा माड़ा मौका मगते किया, उन्होंने भी अपने कुछ नहीं, तो साड़ी तो यही प्रशासन के मांग है भी चलो इन हल किया जाए, मेन साडा तो मसला है भी पानी तो छोड़ो सर, अं पानी वालों तो सूँ भूली गया, अं जो पानी हूँ गंदा आ रहा है ये परेशान हो गए हैं, पीने वाला पानी तो सूँ साफ मिल नहीं रहा, पर जो ये पानी निकल आया ये साड़े लिए होर बड़ी बड़ी तड़ी समस्या बन गई है। सर बेनती है भी इन्हें जरा जल्दी 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 हल किया जाए, नहीं तो अं फिर जाके कॉर्पोरेशन जाके धरना मारा सर, उत्थे बैठा दरिया पा के होर बंदा की कर सकता, देखो ना, ठीक है, मेहरबानी जी। मेरा नाम अश्विनी शर्मा है जी, और मैं इस घर का ओनर हाँ जी, सामने जो तुम देख रहे हो, और यह लगभग 4.5 फीट तो ज़्यादा पानी हो चुका है जी, और यह लगातार देखो कि हाई स्पीड के नाल तेजी नाल पानी उतों आ रहा, और सारा सीवरेज का पानी है जी, और तुहानू भी पता है थोड़ी देर इतने रह गया तो इतने मच्छर डेंगू बहुत सारिया बीमारियां भी इनवाइट करेगा, जिस तरह उन्होंने दसिया कि इतने सप्प सुप भी निकलते हैं और घर च। अच्छा यह दीवार तुम देख सकते हो सामने, दीवारों कि सिल आ चुकी है, और जिस स्पीड के नाल पानी आ रहा है मैनू लग रहा है होर 2 घंटे बाद इन्हें वो 1-2 फीट होर मतलब लगभग 7 फीट पानी इतने इकट्ठा हो जाना सीवरेज का, और जोड़ा कि तुम समझ सकते हो कि कितना डेंजर है, साड़ियाँ यह 2 पिलर के उत्ते अगला साइड हैगी और उत्ते छत है, बड़ा रिस्क है इनू
ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2009 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਏ ਪਲੈਂਡ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਨੂੰ? ਕਲੋਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ MC, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ।